सनातन यात्रा। आप सभी जानते हैं कि भारत के ऊपर राज करने के लिए पहले भी अंग्रेजों ने डिवाइड एंड रूल अपनाया था, भारतीयों को बांट दिया। ये ऊंच नीच हमारे मन में अंग्रेजों ने डाला और सनातनियों को बांटने का प्रयास किया। आज भी हमारे रामचरितमानस को संदेह प्रद दृष्टि से देखा जा रहा है। वही कार्य फिर से प्रारंभ हो रहा है। डिवाइड करो, रूल करो, सनातनी अब से नहीं पूर्व से, पहले से हम सब एक हैं, हम सब सनातनी एक हैं। इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले लोग हर वर्ग के हैं, वो सब हमारे सनातनी हैं, वो हमारे भाई हैं, चाहे कोई भी हो। मैंने हमेशा कहा है कि अगर हम कोई बात रामचरित मानस में किसी बात पे हमारा विश्वास नहीं है या कोई कष्ट देने वाला है तो हम उस शब्द को इग्नोर कर सकते हैं, पर महाकाव्य को हम लोग डिनाय नहीं कर सकते, राम पर हम संदेह नहीं कर सकते, रामचरित मानस पर हम संदेह नहीं कर सकते। और अगर हम राम पर संदेह करते हैं, रामायण पर संदेह करते हैं, तो पूरे सनातन पे संदेह हो जाएगा। और सनातन पर संदेह हो चलेंगे। मैं भी पैदल चलूंगा, हमारे संत महात्मा भी पैदल चलेंगे। और ये पैदल यात्रा सनातन यात्रा इसलिए है, चाहे विदेशी शक्तियां हो, चाहे कोई इस देश में रहने वाले लोग हो, हम सब से एक बात कहते हैं कि सनातन किसी का बुरा नहीं चाहता। सनातन कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया। सनातन सबका हित चाहता है, सबका भला चाहता है, लेकिन सनातन को तोड़ने की कोशिश मत कीजिए। राम पर संदेह मत कीजिए, रामायण पर संदेह मत कीजिए। जो राम पर संदेह करते हैं, जो रामायण पर संदेह करते हैं, मैं ये मानता हूं कि उन्हें न तो राम का पता है और न रामायण का पता है। इसलिए हम और आप सब पैदल यात्रा करेंगे और पूरे विश्व को ये बताएंगे कि सनातनी एक साथ चल सकते हैं, हर वर्ग के व्यक्ति चल सकते हैं, अपने राम के लिए चलते हैं, अपने धर्म के लिए चलते हैं। और जब वो अपने धर्म के लिए चलते हैं तो किसी पे पत्थर नहीं फेंकते, किसी का बुरा नहीं करते, किसी का बुरा नहीं सोचते, बल्कि सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः की आशा रखते हैं। तो आप सभी बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तो आराम आराम से सब चलेंगे पूरी यात्रा। Come on.